आज पुनः इनकी घर वापसी हुई है अपने समर्थकों के साथ। मैं आदिल जी का अपने दल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही कई नौजवान साथी अलग अलग जगहों से आज इससे पार्टी में दाखिल हुए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये कारवां है, इस कारवां को हम लोग धीरे धीरे पूरे राज्य में बड़ा करने की तैयारी है। लोगों का झुकाव पार्टी के पक्ष में, पार्टी की नीतियों के पक्ष में, पार्टी के कार्यक्रम के पक्ष में बढ़ रहा है। अब सभी जानते हैं कि बड़े अनुष्ठान की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा महाधिवेशन है, महाधिवेशन की तैयारी में दिन रात संगठन के लोग लगे हुए हैं, उसके बृहद कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं। और ये राज्यव्यापी ये अधिवेशन केवल एक दल का नहीं, एक दल के निजी विचार का नहीं, बल्कि राज्यव्यापी विचार को एकत्रित करने का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है। आपको रोज डिटेल हमारे प्रवक्ता आज बताएंगे और आगे भी इस कार्यक्रम को कितना बेहतर रूप से आगे हम लोग कर सकते हैं इसकी जानकारी देते रहेंगे। आप देखे होंगे कि कोई भी आंदोलनकारी, मैं भी आंदोलनकारी रह चुका हूँ और इसमें किसी तरह इधर उधर हो गया, लेकिन जो एक बार आदमी में आ चुका उसका हृदय, उसका रूह, उसकी आत्मा वो आदमी में बस जाती है, वो कहीं दूसरी जगह नहीं दिख पाता। इसलिए फिर से मैंने घर वापसी की है अपने झारखंड के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, अपने तमाम लोगों के लिए। जो झारखंड हित में बेहतर काम हो सकेगा तो वो आजू पार्टी ही है, इसलिए मैंने फिर से घर वापसी की है ताकि अपने लोगों के लिए बेहतर काम करें। संगठन की मजबूती में कितना बड़ा योगदान होगा पिछली बार वापसी की आपको? आदरणीय अध्यक्ष जी का जैसा आदेश होगा मैं फुलफिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और बेहतर ढंग से। इस बार मैं मांडा विधानसभा से बिलोंग करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि अधिवेशन में भी मांडा विधानसभा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें, इसकी तैयारी करें।